गर्भावस्था एक ऐसा समय है जब शरीर में अनेक तरह के बदलाव होते रहते हैं। ऐसे में लगभग हर एक महिला के मन में ढेरों सवाल उठ रहे होते हैं। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपके माइंड में भी कई तरह के सवालों का आना लाजमी है और अपने सवालों का जवाब ढूंढना भी जरूरी है। ऐसे में आप अपने मन में आ रहे सवालों को अपने डॉक्टर या अपनी प्रसूति रोग विशेषज्ञ से पूछ सकती हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्भवती महिलाओं को ये 10 सवालों के जवाब जरूर जानना चाहिए। फ्रेंड्स, गर्भावस्था के दौरान यदि आपके भी मन में प्रेगनेंसी से संबंधित शंकाएँ रहती है तो ऐसे में जरूरी है कि आप सही समय पर उन सवालों के जवाब हासिल कर लें। फ्रेंड्स, ये जानते हैं गर्भावस्था के दौरान मन में आने वाले कुछ सवालों के जवाब, जिसके बारे में सभी गर्भवती महिलाओं को जानकारी होनी चाहिए। पहला सवाल, क्या गर्भावस्था के दौरान ऑपरेशन करवा सकते हैं? फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं ऑपरेशन करवा सकती है, इससे आपके शिशु को कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपको बच्चेदानी में गांठ, किडनी या पित्त की थैली में पथरी की समस्या है और वो गर्भावस्था के दौरान बढ़ गई है तो ऑपरेशन जरूरी हो जाता है। यह ऑपरेशन गर्भावस्था के 3 माह से 6 माह के बीच करवाया जा सकता है। इसके बाद दूसरा सवाल है, क्या पूरी प्रेगनेंसी के दौरान गोलियां खानी होती है? फ्रेंड्स, गर्भावस्था के दौरान आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन की कुछ ऐसी गोलियां हैं जिन्हें पूरे 9 महीने तक खाना माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए डॉक्टर द्वारा दिए गए दवाइयों का आप कंटिन्यू सेवन करें। इसके बाद तीसरा सवाल है कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए? फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाओं को घर पर बने हुए ताजे भोजन को खाना चाहिए। आप विटामिन्स और पोषक तत्व युक्त भोजन का सेवन करें। आप ज़्यादा देर तक भूखे ना रहें। 2 से 3 घंटे के अंतराल पर कुछ ना कुछ खाती रहें। एक बार में ढेर सारा खाना खाने की जगह आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार खाएं। ऐसा करने से आपका खाना आसानी से पचेगा। इसके बाद चौथा सवाल है, प्रेगनेंसी में कितना वजन बढ़ना सामान्य है? फ्रेंड्स, पूरे गर्भावस्था के दौरान लगभग 10 से 12 किलोग्राम वजन बढ़ना सामान्य है। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में 1-1 किलोग्राम वजन बढ़ना सामान्य है। इसके बाद लगभग 2 किलोग्राम वजन हर महीने बढ़ना चाहिए। इसके बाद पांचवा सवाल है, क्या अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी है? गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ही आपके शिशु के स्वास्थ्य के बारे में पता लगाया जाता है। 12 से 14 हफ्ते में पहला अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह दी जाती है। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर की निगरानी में ही करवाएं। इसके बाद छठा सवाल है, प्रेगनेंसी में कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए? फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। गर्भावस्था में फिट रहने के लिए नियमित एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इस दौरान आपको बटरफ्लाई, उकड़ू बैठक, कोनासन, प्राणायाम करना चाहिए। साथ ही आपको सुबह शाम 30 मिनट जरूर टहलना चाहिए। इसके बाद सातवां सवाल है, अपनी मर्जी से दवा ले सकते हैं क्या? फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाओं को अपने मन से कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बुखार, सिर दर्द या किसी भी तरह की समस्या हो तो अपने मन से कोई दवा या पेन किलर ना खाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का ही सेवन करें। इसके बाद आठवां सवाल है, प्रेगनेंसी में कितना काम करना चाहिए? फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाओं को घर के सारे काम करना चाहिए, जैसे कि झाड़ू पोछा, खाना पकाना, सारे काम करना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भारी सामान ना उठाएं या कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके पेट पर ज़्यादा दबाव पड़े। काम करते रहने से आपका शरीर एक्टिव रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी में भी मदद मिलेगी। इसके बाद नवां सवाल है, प्रेगनेंसी में कितना पानी पीना चाहिए? फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाओं के शरीर में पानी की उचित मात्रा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका शिशु गर्भाशय के अंदर पानी से भरी हुई थैली में रहता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं।
इसी से बच्चे को पोषण मिलता है और शिशु का विकास होता है। इसलिए आप अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें। इसके लिए आप डेली दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए। इससे आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगा और पानी की कमी नहीं होगी। इसके बाद 10वां सवाल है, क्या प्रेगनेंसी में सफ़र करना चाहिए? फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में आपको ज़्यादा सफ़र नहीं करनी चाहिए। आप दूसरी तिमाही में सफ़र कर सकती हैं। दूसरी तिमाही में सफ़र करना सेफ है, लेकिन आपको तीसरी तिमाही यानी कि 7वें, 8वें और 9वें महीने में सफ़र नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी। प्रेगनेंसी के दौरान सभी गर्भवती महिलाओं को ये 10 सवाल के जवाब जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।